तो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हम लोग काठमांडू से निकल गए थे और बॉर्डर क्रॉस करना था हमें, तो अब हम बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं, सुनौली बॉर्डर जो कि यूपी में पड़ता है। तो यहां से हम यूपी में एंटर होंगे। अगर आप बिहार जाना चाहते हो तो आप रक्सौल बॉर्डर से जा सकते हैं, अगर उत्तराखंड जाना चाहते हो तो आप बनबासा बॉर्डर से जा सकते हैं। अब ये है सुनौली बॉर्डर और सामने जो गेट है वो इंडिया का बॉर्डर है। जैसे ही आप इस गेट पर आओगे यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखेगा भारत आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ बॉर्डर पे आपको एक बार रोककर आपका भंसार चेक किया जाएगा और उसके बाद आप यहाँ से जा सकते हो। हम अयोध्या के लिए जाएंगे। हाँ, बच्चों का ही है और हमारे कपड़े वपड़े। अब देखो ये कितना अच्छा लग रहा है, लिखा हुआ भारत वर्ष में आगमन पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय आपका हार्दिक स्वागत करता है। कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है और रोड की कंडीशन देख लो। उत्तर प्रदेश की बसें दिख रही है, इतनी बढ़िया बढ़िया धूल मिट्टी ये है। हाँ, हमारे इंडिया में भी है लेकिन भाई ऐसी हालत तो नहीं है जैसी यहाँ की है। उत्तराखंड जाओ आप, हिमाचल जाओ, इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया सड़कें, इतना बढ़िया मैनेजमेंट और यहाँ के पहाड़ 150 किलोमीटर में ही 4 घंटे। इतनी खुद ही पड़ी है रोड, इतनी खुद ही पड़ी है पूरी सड़क ही खोटा। मैं पोखरा से निकला है काठमांडू के लिए, हम लोग 80 किलोमीटर की सड़कें खुदी हुई पड़ी है। पोखरा की दूरी है 200 किलोमीटर जिसमें 80 किलोमीटर तो सड़कें ही नहीं है और जो है उनमें भी बीच बीच में वो है। ऐसी हालत, ऐसा मैनेजमेंट, ऐसी इंजीनियरिंग, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर। आप भारत की देखो सड़कें, दिल खुश हो गया मेरा। ये होती है अपना देश महान, दिल खुश हो गया। इतनी खुशी मिल रही है ना मुझे भारत में आ गया, इतनी खुशी मैं बता नहीं सकता। तुम बता सकती हो क्या? भाई तुम्हारा पूरा फोकस गाड़ी पे, ड्राइविंग पे रहता है, हम लोग झेल रहे हैं पूरा। अब जाएंगे राम जन्मभूमि अयोध्या और यहाँ से कराएंगे गाड़ी फुल। आ गया इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, वहाँ पे आता है नेपाल ऑयल। नेपाल ऑयल और इतना महंगा, यहाँ के डीजल में और नेपाल के डीजल में 20 रुपए का फर्क है प्रति लीटर। अब यहाँ कराएंगे हम टंकी फुल। अपने देश आके तो इतना खुशी मिल रही है, सड़कें ही नहीं है यार, 100 किलोमीटर की सड़कें खुद ही पड़ी है, खड्डे ही खड्डे, खड्डे ही खड्डे। मैं तो दोबारा नहीं जाऊंगा, बस दर्शन हो गए बढ़िया पशुपतिनाथ। भाई मजा आ गया भारत में एंट्री करके वापस। इंडिया में एंटर हो गए और इंडिया में एंटर होते हम शेर हो गए। ऐसे रोड होते क्या कोई? भगवान की कसम मैं तो नहीं जाऊं दोबारा नेपाल। इतने भयंकर रोड हाँ लाइफ में नहीं देखे। जगह तो अच्छी अच्छी थी वहाँ घूमने। पोखरा तक सही था लेकिन पोखरा से काठमांडू, काठमांडू से यहाँ बहुत ही गंदी हालत है। तू भी बता दे तेरा एक्सपीरियंस। बहुत ही, एक तो हथौड़ा लेके लगा पड़ा था, इतना हथौड़े से रोड तोड़ रहे। हाँ शिवी क्या हुआ? बनबासा से यहाँ जो पोखरा तक गए थे ना वो रोड भी ऐसे तो ठीक था लेकिन ऐसा लग रहा था कोई ओल्ड इंडिया में चले गए हो, पुराने जमाने की इंडिया में। अरे पुराने जमाने की इंडिया बढ़िया ही होगा। हाँ लेकिन जो रोड थे ना ऐसे रोड बने हुए थे लेकिन सपाट नहीं थे, ऐसे उबड़ खाबड़ टाइप थे। उबड़ खाबड़ समझ गए ना, एक उसमें नहीं थे, सीमेंट में नहीं थे, समतल नहीं थे, बिल्कुल प्लेन वाले नहीं थे, गाड़ी हमेशा वाइब्रेट करती रही। बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था भाई, आने जाने का घूमने का अच्छा था। अभी कम से कम 4-5 साल और लगेंगे रोड्स बनने में, बाकी वैसे ठीक है। पोखरा ही सबसे बढ़िया लगा मुझे और काठमांडू जाने का कोई मतलब नहीं है, अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ गया। अगर काठमांडू जाओगे तो धार्मिक भावना से जाओगे तो ही ठीक है, बाकी उसके आगे भी कुछ नहीं है। और काठमांडू के आगे अगर जाना है दार्जिलिंग साइड में वन टाइम, उस साइड हम नहीं गए, वन टाइम ही लगा, ऐसा कोई खास नहीं था। पोखरा ठीक था, नाइट लाइफ ठीक थी पोखरा की, एक दो मंदिर पॉइंट वगैरह सही थे। हम जस्ट एंटर हुए हैं बॉर्डर में, अपना देश अपना ही होता है।
नहीं बाकी गए हैं वियतनाम थाईलैंड वहाँ भी गए हैं, वहाँ बहुत अच्छे हैं रोड से, पर नेपाल में तो भाई पूरा शरीर का अस्थिपंजर हिला डाला है। मेरी गाड़ी का तो शॉकर बोल गए, पूरे पूरे शॉकर डैमेज हो गए, अब जाके चेंज कराने पड़ेंगे नए शॉकर डालने पड़ेंगे। हमारी शक्ल ही बोली जाम में कड़े कड़े शिवी की शक्ल। शिवी हाय बाय बाय कर दो, बाय 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 झिल गए नेपाल में तो सही में। जाना हो तो भैया मेरे सारे वीडियोस देख लेना जिसको भी जाना है, सड़कों की हालत पता लग जाएगी। सब्सक्राइब कर लेना चैनल, डेवलप कर दी। बताओ भाई साहब अब आ गया हूँ यूपी और अब देखो सड़कों की हालत, एक वो मतलब मैं बोल रहा था ना उबड़ खाबड़, उसका नाम वो निशान तक नहीं है। योगी जिंदाबाद। योगी जिंदाबाद, योगी ने जो कंडीशन करी है ना यूपी की, यूपी जैसे प्रदेश, यूपी को सारा लंदन बना दिया योगी ने। अभी तो मेरे को लंदन से कम नहीं लग रहा यूपी। नहीं झपकी तो लेनी नहीं है मुझे गाड़ी चलानी। अरे मैं पास में बैठा तो वहाँ तो सवारी भी नहीं सो सकती थी, नेपाल में पूरे सोई नहीं ना, बच्ची सोई ना मैं। काठमांडू के आसपास की 40-50 किलोमीटर तक की एरिया में सही है सड़कें, फिर वही बंटाधार है सबका। मेन पोखरा मार्केट है वहाँ पे, पोखरा की भी ऐसी हालत है, पर पोखरा को तो शायद डेवलप कर रहे हैं। पर वैसे जाना है अगर जिसको भी जाना है, लेकिन रोड की कंडीशन बहुत खराब है बस घूमने के हिसाब से जाना है तो। सुनौली बॉर्डर से 185 किलोमीटर का सफर तय करके हम पहुंच गए अयोध्या। ये है अयोध्या, यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक कौन सा यंत्र है, ये वाद्य यंत्र है कोई वो बना हुआ है, और ये शिवी मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रही। बहुत अच्छा माहौल है, रात को इतना लेट तक घूम रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अयोध्या में घूम रहे हैं, रात के 11:30 बजे चाय पी जा रही है। अयोध्या हो तो यहाँ पे चाय पीना, भीम टी स्टॉल 24 घंटे चलती है ये चाय की दुकान। अयोध्या का माहौल कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। अगले दिन सुबह हम लोग निकल गए श्री राम जन्मभूमि और हनुमान गढ़ी के दर्शन के लिए। आप यहाँ से बैटरी रिक्शा से भी जा सकते हैं या फिर आप चाहे तो पैदल भी जा सकते हैं। हनुमानगढ़ी के लिए जा रहे हैं हम अयोध्या में। ये है पूरा मार्केट, शिव फुल तैयार हो गया आज मंदिर जैसे। जय श्री राम, जय श्री राम, शिव जय श्री राम। पहले दर्शन करेंगे हनुमानगढ़ी, उसके बाद में जाएंगे राम जन्म राम मंदिर। अभी यहाँ पे बहुत काम होना बाकी है, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा होने वाला है। पहुंच गए हैं हनुमान गढ़ी। जय जय बजरंग बली। शिवी बोलो जय बजरंग बली। सोना सोने कौन जाता जो पंजाब में गेहूं बोलते सोने को, और यहाँ पे सोना कनक बोलते। यहाँ पर हमने कनक भवन भी देखा, जब श्री राम सीता माँ से शादी करके अयोध्या लेकर आए थे तब सीता माँ को मुंह दिखाई में कनक भवन दिया गया था। छोटे नवाब की शैतानी देखना, इतनी चल रही है गाड़ी में, पूरी धमा चौकड़ी मचा रखी है।